तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां से देखने वाले हैं राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। चलेगा प्यारे विद्यार्थियों बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको दोस्तों इसके लिए कैसे तैयारी कर लेनी चाहिए। आप सभी लोग दोस्तों यहां से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएंगे ताकि दोस्तों आप सबको पूरा का पूरा कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों देख सकते हो ये पूरा का पूरा आपका कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर है जिसको कि आज हम पूरा देखने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं कक्षा 9 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। देख सकते हो दोस्तों परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखेंगे, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें और जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के प्रश्न उत्तर एक साथ ही लिखें। इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर कुछ आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पूरे आपके क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को कि किस प्रकार से दोस्तों आप सबको राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षाओं का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर तैयार लेना है ताकि दोस्तों आप सभी को पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके और आप सभी लोग दोस्तों अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। दोस्तों देख सकते हो यहाँ से आप सभी लोग ये जो प्रश्न दिए गए हैं आप सभी लोग इनको देखेंगे और समझ लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप सबको इनको समझना है। दोस्तों देख सकते हो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको अर्धवार्षिक परीक्षाओं का देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा मध्य प्रदेश। और उसी के अलावा दूसरे नंबर का क्वेश्चन, किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर भी दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर का आ जाएगा। आप सब लोग इस प्रकार से देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो रूस की क्रांति कब हुई थी, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से आपको लिख लेना है और उसकी जो क्रांति थी दोस्तों यहाँ से तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 1917 में हुई थी। उसी के अलावा हिटलर के प्रचार मंत्री थे, देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखा गया है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा ग्योबल्स। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन, कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की नहीं है। पाँच नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ से आपको दोस्तों लिख लेना है स्वतंत्रता। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था। छठे नंबर का क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से आपको लिख लेना है 1943। और उसी के अलावा आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस जगह से दोस्तों आप सबको रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेना। पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत विश्व का बड़ा देश है, तो यहाँ से आपको कौन सा लिख लेना, सातवां। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है, भारत में हमेशा जन्म दर से अधिक रही है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोगों से दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ से आपको लिख लेना मृत्यु दर। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में हुई थी, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से आपको लिख लेना है 1939। कब से शुरुआत हुई थी, 1939 से। चुनाव का मतलब राजनीतिक है, देखिएगा दोस्तों चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से आपको दोस्तों लिख लेना है प्रतियोगिता। चुनाव का मतलब क्या दोस्तों, राजनीतिक प्रतियोगिता। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देख सकते हो, कृषि एवं मछली पालन क्षेत्र से संबंधित है, देखिएगा ये जो लिखा गया है चौथे पाँच नंबर का क्वेश्चन, इसमें से आपको लिख लेना प्राथमिक। किससे संबंधित है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कृषि एक कार्य है, किस प्रकार का कार्य है दोस्तों, तो यहाँ से आपको लिख लेना मौसमी। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देख सकते हो जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं, देख लीजिएगा आप सभी लोग इस जगह से सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे कर लेना है, पहले नंबर पे लिखा है इसका मिलान आपको अणा से कर लेना है, देखिएगा सही जोड़ी में पहले का मिलान आपको अणा से कर लेना है। दूसरे नंबर का मिलान दोस्तों आपको चा से कर लेना है, दूसरे नंबर का मिलान आपका किससे हो जाएगा, चा से। और तीसरे नंबर का मिलान दोस्तों आपका हो जाएगा का नंबर से। और उसके अलावा दोस्तों चौथे नंबर का जो दे रखा है इसका मिलान हो जाएगा आपका खा से। और उसी के अलावा पाँच नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसका मिलान दोस्तों आपका हो जाएगा ग नंबर से। और उसी के अलावा छठे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसका मिलान दोस्तों आपका हो जाएगा घ नंबर से। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग यहां से इसका मिलान कंप्लीट कर लेंगे। चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिएगा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या एक वाक्य में भारत की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा गया है, तो ये आपको पता ही है दोस्तों कौन सी है, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है, देखिएगा दोस्तों इसमें से आपको लिख लेना एल नीनो। एल
नीनो आपको यहाँ से लिख लेना है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी, तो यहाँ से आपको दोस्तों लिख लेना 15 फरवरी 2000 को दोस्तों नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है, चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ से दोस्तों आपको लिख लेना शासन। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन ने किया, तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों यहाँ से आपको लिख लेना है महात्मा गांधी, ये जो यहाँ से इसका महात्मा गांधी आ जाएगा। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं मताधिकार, मताधिकार आप सभी लोग यहाँ से लिख लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग इन प्रश्नों को देखते चलेंगे। देखिएगा सत्य असत्य, सत्य असत्य में देखा जाए तो पहला नंबर का आपका दोस्तों सत्य है और दूसरे नंबर का दोस्तों आपका पूरी तरह से असत्य होगा, तीसरे नंबर का भी दोस्तों आपका असत्य है, चौथे नंबर का दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा, पाँचवें नंबर का भी दोस्तों आपका सत्य होगा और इसके अलावा छठे नंबर का भी आपका सत्य होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग सत्य असत्य को देख लें और उसी के अलावा आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सभी लोग इस जगह से इनको देखते चले। जलवायु से क्या से मानसून फटने अथवा टूटने से क्या तात्पर्य है, प्रकृति वनस्पति से क्या तात्पर्य, वन किसे कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है, ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ना दोस्तों आप सबका इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया है। तो टोटल दोस्तों आप सबसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल आपके पेपर में दोस्तों 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैंने आप सबको पूरा बता दिया है। तो इस आधार पर आप सभी लोग इसकी तैयारी को कर लेंगे। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।